थॉमस यंग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिन्हें विजन लाइट सॉलिड मैकेनिक्स एनर्जी फिजियोलॉजी लैंग्वेज म्यूजिकल हार्मनी और इजिप्टोलॉजी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आदि महान वैज्ञानिक उनका उल्लेख किया करते थे। थॉमस यंग को द लास्ट मैन हु न्यू एवरीथिंग के नाम से भी वर्णित किया जाता है। उनके कई उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट की सामान्य स्वीकृति में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके लिए आइजैक न्यूटन के प्रयोगों से प्रभावित होकर वेव थ्योरी ऑफ लाइट को स्थापित करने का श्रेय यंग को दिया जाता है। थॉमस यंग का जन्म 13 जून 1773 मेलवर्टन सोमरसेट इंग्लैंड में हुआ था। एक क्वैकर परिवार में जन्मे थॉमस यंग अपने परिवार के 10 बच्चों में सबसे बड़े थे। यंग ने 14 वर्ष की आयु में ही ग्रीक और लैटिन भाषा सीख लिया था। इसके साथ साथ फ्रांसीसी इतालवी हिब्रू जर्मन अरामी सीरिया अरबी फारसी तुर्की और अम्हारिक से भी अच्छे से परिचित थे। 1792 में यंग लंदन के सेंट बार्टोलोमोव हॉस्पिटल में मेडिसिन का अध्ययन करना शुरू किया और फिर 1794 में वे एडिनबर्ग मेडिकल स्कूल चले गए, जहां से एक साल बाद वे जर्मनी के गोटिंगन यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने 1796 में मेडिसिन में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। 1797 में उन्होंने कैम्ब्रिज के इमैनुअल कॉलेज में प्रवेश लिया और उसी वर्ष उन्हें अपने दादा की संपत्ति विरासत में मिली, इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार 1799 में वे लंदन के 48 वैक स्ट्रीट में एक चिकित्सक के रूप में बस गए। अपनी चिकित्सक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वे अपने एकेडमिक लेखों को गुमनाम रहकर प्रकाशित किया करते थे। इस प्रकार यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। 1801 में थॉमस यंग को रॉयल इंस्टीट्यूशन इंग्लैंड में नेचुरल फिलोसॉफी मुख्य रूप से फिजिक्स का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1802 में वे रॉयल सोसाइटी के सेक्रेटरी भी चुने गए, लेकिन अगले ही वर्ष 1803 में उन्होंने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इससे उनके चिकित्सा पद्धति में हस्तक्षेप हो रहा है। रॉयल इंस्टीट्यूशन में दिए गए उनके लेक्चर्स कुछ वर्षों बाद 1807 में कोर्सेस ऑफ लेक्चर्स ऑन नेचुरल फिलोसॉफी के नाम से प्रकाशित किए गए, जिसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एस्टिगमेटिज्म यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी यंग टेम्परमेंट यंग्स मॉडुलस के साथ अन्य 84 विषय शामिल हैं। इसके अलावा यंग ने मॉलिक्यूल्स के आकार को मापने के लिए तरल पदार्थों में सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी पर भी काम किया। उस समय वे एनर्जी शब्द को वैज्ञानिक महत्व देने वाले पहले व्यक्ति थे। इलास्टिसिटी का वर्णन करने वाले मैथमेटिकल इक्वेशन में एक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस को उनके सम्मान में नामित किया गया है। 1811 में थॉमस यंग सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में एक चिकित्सक बन गए। 1816 में वे सेकंड पेंडुलम की सटीक लंबाई का पता लगाने के साथ लगाए गए एक आयोग के सचिव भी बने और 1818 में वे एचएम के नॉटिकल एल्मेनेक कार्यालय के देशांतर और अधीक्षक बोर्ड के सचिव भी बने। थॉमस यंग को 1822 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का विदेशी सदस्य भी चुना गया। 1827 में उन्हें फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस के 8 विदेशी सहयोगियों में से एक चुना गया। 1828 में उन्हें रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस का एक विदेशी सदस्य भी चुना गया। द मैन हु न्यू एवरीथिंग से वर्णित किए जाने वाले थॉमस यंग की मृत्यु 10 मई 1829 को लंदन में हुई। यंग को उनके दोस्त और सहकर्मी बहुत माना करते थे। उन्हें अपने ज्ञान पर कभी भी अहंकार नहीं हुआ, लेकिन अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो आसानी से कठिन वैज्ञानिक सवालों का जवाब देने में सक्षम थे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं ऐसे ही वैज्ञानिक बायोग्राफी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।